हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक शेयर तो जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने का। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। और हाँ, इससे पहले मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनकी एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ठीक है? तो वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड -1 करके लिखे गए हैं, यानी कि एस से पहले क्या आता है आर, तो -1 चल रहा है। आई से पहले क्या आता है एच, एस से पहले क्या आता है आर, तो ये सारे के सारे -1 है। टी से पहले आपका एस, ई से पहले आपका डी, आर से पहले आपका क्यू, यानी कि सारे के सारे -1 चल रहे हैं। तो उसी प्रकार आप अंकल को लिखेंगे सारे के सारे, मतलब एक एक वर्ड पीछे करके लिखेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यू से पहले आपका टी आता है, एन से पहले आपका एम आता है, सी से पहले आपका बी आता है, एल से पहले आपका के आता है और ई से पहले आपका डी आता है। तो देख लीजिए TMBKD राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि TMBKD यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डायरेक्शन से, तो ट्राई जरूर करके देखिए। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको साथ साथ में ट्राई करके और आंसर भी साथ साथ में देते रहा करें इनके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार जल्दी से ट्राई करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है देवास 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। तो देवास को 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहाँ पे हम चला देते हैं। देखिए ये आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे पश्चिम की ओर चलेगा वो 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ के, हम फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर गया, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ तक चला, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सभी कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ और 12 किलोमीटर चला, तो इसके बाद फिर हम इसको दाईं ओर मोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगा। देखिए खुद सोचिए अगर वो यहाँ पे खड़ा है और वो दाईं ओर मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन, कौन सी दाईं ओर होगी, राइट साइड में मुड़ेगा तो ये वाली होगी। और 12 किलोमीटर बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा, 8 तो यहाँ तक था, ठीक है, तो 8 तो ये हो गया, 4 और चलना पड़ेगा तो आपका 12 किलोमीटर ये होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोल सकते कि आप यहीं पर रोक के 12 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 8 है तो ये आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये 12 किलोमीटर जब जाके आपका 12 किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो उसने जहाँ से चलना आरंभ किया था वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये इन सभी को प्लस कर देंगे, कह रहा अच्छा वो यहाँ तक पहुँच गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे डायगोनली और अब देखना है ये क्या बन गया, एक ये बन गया है त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाली पता है, ये वाली इसकी साइड पता है, ये वाली साइड पता है, तो आप पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी ए पता है, बी सी पता है और यहाँ पे आपको निकालनी क्या है, ये वाली आपको निकालनी है, ए और डी आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सीधा सीधा इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करके आप निकाल लीजिए। इसका करेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा, 3 का आपका हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये दोनों को प्लस करेंगे √25, रूट उठाएंगे तो कितना आएगा 5, तो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान यहाँ पे दो ही चीज़ें रखनी है, बस यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ ऐड करके नहीं लेके जाना है और डायरेक्ट ऐसे निकालना है, ठीक है ना, डायगोनली इस लाइन को ड्रॉ करके आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या हो गया आपका राइट आंसर, 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से ट्राई करिए, थ्री का राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दी गई संख्याओं का समूह ये है 3, 4, 5। देखिए 3, 4, 5 में क्या चीज़ कॉमन है, वही चीज़ जो भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा वही एक यहाँ पे इन चारों में से फॉलो हो रहा होगा वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3, 4, 5 तीन नंबर हैं जो लगातार लिखे हैं 3, 4, 5। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर देख लीजिए जो लगातार लिखा हो, 6, 8, 10 है हो नहीं सकता, 9, 12, 15 हो नहीं सकता, 6, 7, 8, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा सा मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी मैंने ये करा दिया तो आपको बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन लगा होगा कि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, खुद ट्राई करके देखा करें उसके बाद आंसर को देख लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनमें से आपको बताना है भिन्न कौन सा है, ठीक है, ओड वन आउट। तो ये चार ऑप्शन जो लिखे हैं आपके ए बी सी, जौ कपास धान गेहूँ, इनमें ओड कौन सा है, ठीक है, ओड वन आउट निकालिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जौ धान और गेहूँ, ये आपकी नकदी फसल नहीं होती है बट कपास एक नकदी फसल है, तो आपका कपास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी ट्राई करिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 4 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 को जल्दी से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा है इस वाले में, ट्राई करके देखिए इसमें क्या है, इसमें वोवेल है, ठीक है, ए आई, ठीक है, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, बट डी वाले ऑप्शन में एक भी वोवेल नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सनेंट हैं, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से राइट आंसर बताइए 6 का। देखिए 6 का बहुत ही सिंपल सा आंसर है और ऑलरेडी मैं आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, कैसे करने होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो नहीं बनाया जा सकता, एक पूछा जा सकता है कि कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन से इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो हम जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एस इसमें भी है, इसमें भी है, टी भी है, टी भी है, आर भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है, जी भी है, तो ये तो बन जाएगा भाई। तो इसका मतलब हमें कौन सा निकालना है, नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं भी ध्यान रखिएगा। फिर इसमें ओ भी है, आर भी है, और ए भी है, एन भी है, एन भी है, एन भी है, जी भी है, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आपको ई नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक ही ऑप्शन होगा आपका जो इसमें से नहीं बनेगा, बाकी सारे बनने वाले होंगे, इसलिए आपसे पूछा कि कौन सा नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 27 3 81, तो क्या पता चला आपको भाई, 3 की 3 में की, 9 की 3 में की, 27 की 3 में की, तो आपका इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या किया, 6 की 3 में करेंगे, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 162, तो आपकी समझ में आ गया अब तो कि कैसे सीरीज चल रही है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको ये करना है, 7 3 21, और 21 की 3 में करेंगे, 21 3 21 की 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा, 63 करेंगे, 63 की 3 में करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 189, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सब कुछ बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत ही सिंपल सा है, ट्राई करिए इसको भी, कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है, तो इससे आपको क्या पता चलता है भाई, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो देश की सेवा करते हैं वो सिपाही होते हैं और जो सिपाही नहीं है वो सेवा नहीं करते हैं, मतलब कथन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मतलब पर्सनली और दिल पे मत लेके जाइएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है, तो इसका मतलब छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेवा कौन करता है, सिर्फ सिपाही करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, यहाँ पे बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरे में बोला जाए कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिपाही ही देश की सेवा करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है कि छात्र सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, ये नहीं बताया गया, तो इसको ये कहना गलत होगा कि कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 था और आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है, सिंपल है बहुत ही, ट्राई करके देखिए, राइट आंसर भी मैं आपको बता ही दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन है 36, 32, 38, 42, तो जल्दी से एक बार देखिए, कमेंट करके ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कि आप ट्राई करके देखिए और आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन दिखता है ना, मैं उसको ट्राई जरूर करता हूँ, कहीं पर भी दिखता हो और उसको ट्राई करता हूँ, जब उसका आंसर मिल जाता है ना, बड़ी खुशी मिलती है, तो आपको भी शायद ऐसा होता हो, तो आप हर एक क्वेश्चन को जो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको, उसको ट्राई करके देखा करें। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 9 × 2 = 18, ठीक है, 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, मतलब 9 का ये टेबल चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बट सीधा सा यही है, तो मैंने यही आपको बता दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कोडिंग डिकोडिंग से, इसको भी ट्राई करके देखिए, इसमें बोला जा रहा है एक लिखित कोड में पीपल को PLPOEE रूप में लिखा गया है, ट्रेंड को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको मैंने किया है यहाँ पे, अगर आपने ट्राई करना है तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो पीपल लिखा है PEOPLE और नीचे इसका कोड लिखा है, तो इस कोड का हमने पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से विजुलाइज किया इसको, कि पी तो जहाँ पे है वहीं पे रख दिया गया है, ई भी जहाँ पे है वहीं पे रख दिया गया है, फिर ई को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखा गया, तो एल को इस तरीके से यहाँ पे रखा गया, ओ को यहाँ पे, पी को यहाँ पे, तो आपको चीज़ें मिल गई कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी गई है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, यहाँ पे रखा जा रहा है, ये इस तरीके से क्रॉस करके रखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेंड को उसी तरीके से ट्रेंड को लिख लेंगे, टी को वहीं पे रखेंगे, डी को वहीं पे रखेंगे, आर को यहाँ पे ले आएंगे, एन को यहाँ पे ले आएंगे, ई को बीच में रख देंगे। ठीक है, तो TNERD आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ट्राई करिए इसको भी, एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है वस्तुकार भवन मूर्तिकार क्या होगा। तो जैसे वस्तुकार भवन बनाते हैं, मूर्तिकार क्या बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, ऑब्वियसली सीधी सीधी सी बात है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बट कई बार चीज़ें फंस जाती हैं, तो मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई करके देखिए, यहाँ पे लिखा है बर्फ शीतलता पृथ्वी, तो देखिए बर्फ की जो गुणवत्ता है वो क्या है, शीतलता की है, तो पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की इन सभी में अगर देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए, 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, यानी कि 2, 4, 8 डबल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल करके लिखेंगे 8 का 16, तो 21 में 16 प्लस करेंगे तो 37, तो 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले 2 प्लस किया हमने, 2 का डबल करके 4 कर दिया, 4 प्लस किया, 4 का डबल करके 8 कर दिया, 8 प्लस किया तो 8 का डबल करके 16 कर दिया, और 16 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया आपका 37, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, देखिए वीडियो तो थोड़ी छोटी थी बट बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और उसकी PDF डाउनलोड करिए, डेली मैं वहाँ पे आपको करंट अफेयर और सारी PDF डाल देता हूँ, मॉर्निंग में आपको डेली एक करंट अफेयर की वीडियो मिल रही है, उसको जरूर देख लिया करें, और बाकी आपका जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और सारी वीडियो देखते रहा करें, प्रीवियस वीडियो भी बहुत सारी अपलोड की है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सारी वीडियोस देखते रहा करें, लाइक शेयर करते रहा करें, और जो भी आपके डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।